हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। तो जैसे कि हमने इन क्लासेस में जान रहे हैं किडनी रिलेटेड एंड किडनी फंक्शन रिलेटेड, अल्टीमेटली द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम मींस किडनी से जुड़ा हुआ फंक्शन है जिसे हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन के बाहर आता है जिसको हम यूरिन के नाम से जाने हैं, तो यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शंस, किडनी का जो काम है जो हमारे बॉडी के अंदर का नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर डाल देना, उसको चला कैसा रहा है, वो चल कैसा रहा है, कौन उसे रेगुलेट कर रहा है, उसको बोलेंगे हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। लेट अस सी हाउ इट इज। देखिए बच्चों, इट इज डन बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, JGA, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एंड हार्ट। ये तीन पार्ट से, इन तीन पार्ट से रिलीज हुआ हार्मोन के फीडबैक के आधार पर किडनी का फंक्शंस रेगुलेट होता है। चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन एक्टिवेट द ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी। बॉडी का ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, फ्लूइड कितना है, पानी कम है क्या ज़्यादा है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इन सभी के अंदर कोई बदलाव अगर आया तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए वो सिग्नल्स देते हैं। बाय दिस आवर किडनी फंक्शंस आर रेगुलेटेड। नाउ रेगुलेशन बाय ADH, इट्स ए हार्मोन। फ्लूइड लेवल डिक्रीजेस, ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलाई द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड कम होने लगता है, ठीक है, लेवल कम हो जाता है, तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर जिसे कहते हैं, वो हाइपोथैलेमस ए पार्ट ऑफ ब्रेन है जिसको सिग्नल दे के ये कहते हैं कि आप एक एंटी डायुरेटिक हार्मोन रिलीज करें, ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इट स्टिमुलेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम ADH एंड कलेक्टिंग डक्ट, दस ADH प्रिवेंट द डायोरेसिस एंड इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। जैसा हमारी बॉडी में अगर पानी कम होने लगा, पानी की वॉल्यूम कम होने लगी, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं कि आप में से कोई एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज करो जिसको हम वैसोप्रेसिन और ADH कहते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट को सिग्नलिंग देकर क्या कहते हैं कि आप DCT और कलेक्टिंग डक्ट में से पानी को खींच लो वापस, ताकि पानी बॉडी में कम है पानी में, ज़्यादा पानी यूरिन के थ्रू ना जाए, वो रुक जाए, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन ADH। डायूरासिस का मतलब होता है यूरिनेशन, यूरिन आना, बार बार यूरिन आना डायूरासिस, तो यूरिन बार बार नहीं आता, रोकाया जाता है बिकॉज ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर रिलीज बाय ए हार्मोन ADH, रिलीज बाय ए हार्मोन ADH बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। जब बॉडी के अंदर पानी बढ़ जाएगा, पानी की संख्या बढ़ जाएगी, तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं, सप्रेस द ADH, ADH रिलीज नहीं होता एंड कंप्लीट द फीडबैक, फिर वो रिलीज यूरिन हो जाएगा, वो फीडबैक कहते हैं उसे ही। ADH कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेजल्स रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, दिस इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड GFR। अगर उसके उसके ब्लड वेजल से भी रिलेटेड है, वो BP ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी वहां पर बढ़ सकता है, ठीक है। देन रेगुलेशन बाय JGA, देर इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन कॉल्ड जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ DCT का सेलुलर मॉडिफिकेशन है ये। द एफरेंट आर्टेरियोल्स जो ब्लड को लेके निकलते हैं किडनी से, सॉरी ब्लड को लेके जो किडनी में आते हैं उसको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट
regulate the GFR by renal angiotensin mechanisms. A fall in glomerular blood flow, ठीक है, glomerular blood flow अगर वहां पे फ्लो हो गया, द फॉल मतलब डिस्टर्ब हो गया, द फॉल इन ग्लोमुलर ब्लड फ्लो आर ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर या GFR एक्टिवेट जुक्स्टा सेल टू रिलीज रेनाइन. अगर वहां किसी में, इनमें से किसी में अगर कोई गड़बड़ी आ गई ग्लोमुलर ब्लड फ्लो में, ग्लोमुलर ब्लड में, ब्लड प्रेशर में, GFR में कोई डिस्टर्ब हो गया, तो जुक्स्टा सेल एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है रेनाइन. Then renin convert angiotensin in blood to angiotensin 1 and further angiotensin 2. इस सबस्टेंस, एक सबस्टेंस है जो ऑलरेडी हमारे ब्लड में होता है जिसको एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 1 और 2 बदल देता है. एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज द ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है एंड देयर बाय GFR बढ़ जाता है. एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट एडिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, ठीक है. देन वहां पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बाद किडनी का फंक्शन भी नॉर्मल हो जाता है. एल्डोस्टेरोन कॉज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. जो एल्डोस्टेरोन हमारे कौन सा ऑर्गन, वो एडिनल से जो रिलीज हुआ था वो वाटर और सोडियम को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है. फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबल्स दिस ऑल्सो लीड इन टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR, right? Then ANF, atrial nutriuretic factor. Check the renin angiotensin mechanism. ये इसको check इन्हें करता है. Increase blood flow, blood flow जो उन्हें बढ़ा दिया था. पहले तो blood pressure गिरा था, fall in blood pressure. फिर angiotensin blood pressure को बढ़ा दिया renin के through. Then, ये वाला फैक्टर उसको चेक करता, रेनिन को, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करता. इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ द हार्ट कॉज द रिलीज ऑफ वन मोर फैक्टर दैट इज द एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर ANF. ANF कॉज द वैसोडिलेशन, मींस वो बढ़ा हुआ प्रेशर को कम कर देता है. डायलेशन ऑफ द ब्लड ब्लड वेजल्स and thereby decrease the blood pressure. फिर उन्हें blood pressure को decrease करते हो, again that becomes normal. Okay, so I hope you people are understood these things. Okay, so in the next class we will continue the disorders of the excretory systems. Till then, be carefully, be happy. Thank you very much.